बहुमत के नज़दीक नहीं, हम बहुमत के साथ जीत के आए हैं। सरकार का तो दिवालिया पिट गया, सरकार का तो कोई उम्मीदवार देखा जाए तो जीत के भी नहीं आया। जिनको कहीं सरकार में बैठे लोग अपना बता रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट है। इन्होंने जिनको कमल का फूल दिया था वो सारे हार गए, उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। दूसरा, सरकार के जो साझेदारी में हैं जो लोग, उनका उनसे भी ज़्यादा दिवालिया पिटे। जेजेपी वालों की तो मेरे ख्याल कहीं कोई जमानत भी नहीं बची, जो उनके समर्थित उम्मीदवार थे उनकी तो जमानत भी नहीं बच पाई। जो उनके बागी थे उनमें एक जीत करके आए, और रही बात जो उनके समर्थन में रहा है, जो मिनिस्टर है चौधरी रणजीत सिंह, जो इस बात को लेकर के बहुत बारी बारी से ये कह रहे थे कि रानियां तो मेरा अपना हल्का है, हल्के वालों ने उनको उनकी औकात दिखा दी। एक भी आदमी सिंगल भी नहीं जीत गया उनका, जिसके लिए एडिट चोटी तक का जोर लगाया था, जिसको ये कह रहे थे कि राजकुमार नहीं मेरा गगन लड़ रहा है। अगर गगन लड़ता तो और ज़्यादा बढ़िया नतीजे आते। लोगों ने राजकुमार को फिर भी खारिया में ये सोच के वोट दे दिया कि हमारा है परिवार का है। अगर गगन लड़ता तो खारिया में कर्ण 2500 वोट से जीतता, फिर ये जो इनको 2000-1800 वोट मिले हैं ये नहीं मिलता, ये साफ हो जाता। लोगों ने नकार दिया इनको बुरी तरह से। अब जब भी जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होगा, हमारी पार्टी की तरफ से हम जिसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे वो चेयरमैन बनेगा। इन लोगों को अब लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने चुनाव के दौरान जिस किस्म का व्यवहार आप लोगों के साथ किया है वो हमारी एक बड़ी भूल थी। बड़ी हैरानी की बात है, इस चुनाव में भी लोगों को डराया धमकाया गया, पैसे का लालच दिया गया, और इस चुनाव में और भी बहुत सी बातें कही गई। अगर लोगों का फैसला इनको स्वीकार करना चाहिए, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और चौधरी रणजीत सिंह को तो अपने कह के मुताबिक अब रानिया हल्के में जाना भी नहीं चाहिए। अब अगले कहीं चुनाव लड़ने के लिए किसी और हल्के की तलाश कर लेनी चाहिए। मैं पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए आज बधाई देता हूँ कि जिला परिषद के चुनाव में लोगों ने जहाँ जहाँ भाजपा के उम्मीदवार थे, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में भाजपा को और इसको जसपा को आईना दिखाने का काम किया है। तकरीबन इनके उम्मीदवार जो है चुनाव हारे हैं, कहीं कोई जीता है वो इनकी वजह से नहीं, वो अपने भाईचारे की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से चुनाव जीत कर गया है। क्योंकि ये तो सिंबल छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन फिर भी कई जगह सिंबल पे लड़े, वहाँ लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी एक बात आपसे कही थी, आदमपुर के चुनाव के बाद भाजपा के लोगों ने बहुत पीठ थपथपाई थी और ये कहा था कि अब 2024 हमारा है। मैंने कहा था कि आदमपुर चुनाव जो है वो भविष्य तय नहीं करेगा, आदमपुर का चुनाव तो भजनलाल वर्सेस था, उस परिवार के खिलाफ था, और वहाँ तो लोगों ने वोट चौधरी भजनलाल के परिवार को देना था और उनके खिलाफ डालना था।
उस चुनाव का कोई प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर नहीं। हरियाणा की राजनीति का रोड मैप अगर कोई तय करेगा तो ये जिला परिषद के चुनाव करेंगे, और इस जिला परिषद ने यह तय कर दिया कि अगली सरकार भाजपा और जसपा की नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब तो लड़ाई हमारी और कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस में फूट है, अब लोग आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और 2024 का भविष्य लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सरसा जिला की 24 सीटें जो थी उनमें मैक्सिमम सीटें हमें जिता करके दी है। आने वाले समय में सरसा की पंचों सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी सरसा से लोकसभा का प्रत्याशी जो होगा वो हमारी पार्टी का जीत करके आएगा। इस बात की मोहर लोगों ने अभी लगाई है। टोटल वोट जब काउंट करोगे कौन कितने वोट कितने परसेंट किसको मिला है, उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, जिसको लोग कह रहे थे खत्म होगी, लोगों ने उनकी जाड़ चेप दी। अब की बार चिपकी कौन चिपकी जाड़ गई है। और भविष्य में आप देखना इनके साथ लोग किस तरह का बर्ताव इस प्रदेश में करेंगे। मैं एक बार प्रदेश की जनता को इस बात के लिए आपके माध्यम से बधाई देता हूँ कि आपके फैसले बहुत अच्छे थे, आपने समय रहते सरकार को आईना दिखाया, आप जीते, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। सर, आम आदमी पार्टी के 6 उम्मीदवार जीते हैं सिरसा से, क्या वो विकल्प माना जाए हरियाणा में दूसरा? अब कल पता लगेगा टोटल नतीजों का कि किसके कितने जीत करके आए हैं सिंबल में, उसके बाद तय होगा। ये भी जो यहाँ जो आम आदमी के नाम पे जीते हैं इन सब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब हर कार्यकर्ता का मन करता है चुनाव लड़ने को, लेकिन सिंबल सबको नहीं दिया जा सकता, सिंबल किसी एक को ही दे सकते हैं। ये जो साथी जीत के आए हैं, मैं कह रहा हूँ जिस दिन चेयरमैन का चुनाव होगा उस दिन आप देखना मैक्सिमम लोग हमारे साथ खड़े नजर आएंगे आपको। मेरा सबसे संपर्क है